राधे राधे आप सभी को जय अमावस्या पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जानेंगे जीत की अमावस्या कब मनाई जाएगी, साथ ही इस दिन बनने वाले दुर्लभ योग और संयोग के बारे में और जानेंगे सभी शुभ मुहूर्त और सभी जरूरी बातें। अमावस्या का सनातन धर्म में काफ़ी महत्व है। इस दिन श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। बता दें कि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और साल भर पड़ने वाली 12 अमावस्या तिथियों का अपना अपना महत्व है और इसमें जेठ माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रतावित्री व्रत रखा जाता है और इसी दिन शनि जयंती भी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जेठ अमावस्या के दिन दुर्लभ शिव वास योग का निर्माण हो रहा है, जो कि काफ़ी शुभ व विशेष माना जा रहा है। इस विशेष योग में पितरों की पूजा करने से साधक को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आइए योगाचार्य जिसे जानते हैं, इस दिन के दुर्लभ योग संयोग तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त के साथ इस दिन का विशेष महत्व और दान का महत्व तो पहले जानते हैं। अमावस्या के दिन दान का क्या महत्व है? हिंदू धर्म में दान का अपना अलग महत्व है। शास्त्रों के अनुसार यदि साधक विशेष समय पर ब्राह्मणों तथा दीनहीन असहाय लोगों को दान देते हैं तो प्रकृति के विधान के अनुसार उन्हें पूर्व में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़कर यमलोक की ओर प्रस्थान करता है तो उसके द्वारा किए गए पुण्य ही उसके साथ जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें धरती रूपी भवसागर में कहीं छूट जाती हैं। इसीलिए ग्रंथों में सामर्थ्य के अनुसार दान देने की महत्ता बताई गई है। अर्थवेद में कहा गया है, सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और हजार हाथों वाला बनकर समदृष्टि से दान देना चाहिए। अपने कर्मों का विस्तार इसी संसार में और इसी जन्म में करना चाहिए। हमें इसी संसार में और इसी जन्म में जितना संभव हो सके दान करना चाहिए। इस दिन के दान करने से हमें कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है, पितर प्रसन्न होते हैं। और अब जानते हैं जेठ अमावस्या का धार्मिक महत्व। धर्म ग्रंथों में जेठ अमावस्या को शनिदेव की जन्म तिथि कहा गया है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जेठ अमावस्या खास मानी जाती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 और ढैया चल रही है, वे इस दिन शनि देव का तेल से अभिषेक करके काली चीज़ों का दान करें, जैसे कि काले तिल, काले रंग के वस्त्र, जूते, चप्पल, काला छाता, काले चने, सरसों का तेल आदि दान करें। इससे शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं और ये अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन व्रत सावित्री की पूजा होती है। जेठ अमावस्या का दिन सुहागिनों के लिए भी बहुत खास है। इस दिन माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण को यमराज से वापस लेकर आई थी, तभी से जेठ अमावस्या पर शिव पार्वती और बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद में त्रिदेव का वास माना गया है, इनकी उपासना से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और पति की आयु लंबी होती है, साथ ही संतान सुख की प्राप्ति के साथ साथ इस दिन व्रत करने पूजन करने से शनिदेव की कृपा मिलती है। साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश माता लक्ष्मी इन सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है, जिससे घर में सुख समृद्धि शांति आती है। तो ये था जेठ अमावस्या का धार्मिक महत्व। और अब जानते हैं जेठ अमावस्या की तिथि और इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त और योग। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जेठ माह की अमावस्या तिथि 6 जून को है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून को शाम को 7:54 पर होगी और समाप्ति अगले दिन यानी कि 6 जून को शाम को 6:07 पर होगी। उदयातीत के अनुसार जेठ अमावस्या का स्नान दान 6 जून को किया जाएगा। और अब जानते हैं
जेठ अमावस्या के दिन स्नान दान का समय और शनिदेव की पूजा का शुभ समय। जेठ अमावस्या के दिन स्नान दान का समय नोट कर लें। इस दिन स्नान दान का मुहूर्त है सुबह 4:02 से लेकर के सुबह के 7:07 तक है। इस समय आप स्नान दान कर सकते हैं और इस दिन पितर पूजन का समय है। सुबह के 11:30 से लेकर के दोपहर के 2:04 तक पितरों की पूजा दोपहर में की जाती है। और अब जानते हैं इस दिन शनिदेव की पूजा का शुभ समय क्या है। शनिदेव की पूजा सूर्यास्त के बाद श्रेष्ठ मानी जाती है। शनिदेव की पूजा का समय शाम को 6 से प्रारंभ होगा और रात के 9:49 पर समाप्त होगा। इस मुहूर्त में आप शनिदेव की पूजा मंदिर में जाकर कर सकते हैं। तो ये थे इस दिन के शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले दुर्लभ संयोग के बारे में। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जेठ अमावस्या के दिन पितरों के आशीर्वाद पाने के लिए विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। इस दिन तर्पण करने से वंश में वृद्धि होती है। ज्योतिषियों के अनुसार जेठ अमावस्या के दिन 2 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। पहला दुर्लभ संयोग शिववास और दूसरा व्रत योग बन रहा है। मान्यता है कि शिववास योग में पितरों की पूजा करने का विशेष महत्व है। विधि विधान से पितरों की पूजा करने से पितृ दोष दूर होता है और शिववास योग का समय है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जेठ माह की अमावस्या तिथि पर दुर्लभ शिववास योग बनेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस योग में भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। पंचांग के अनुसार शिव योग शाम को 6:07 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं। और घृत योग का समय है। ज्योतिषियों के अनुसार अमावस्या पर घृत योग का भी संयोग बन रहा है। इस योग का निर्माण रात्रि के 10:09 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घृत योग में दान स्नान करना बेहद शुभ होता है। और अब जानते हैं शिववास योग में कौन सा काम जरूर करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार जेठ अमावस्या के दिन शिववास योग का निर्माण हो रहा है। माना जा रहा है कि ये योग बहुत ही विशेष फल प्रदान करने वाला है और इस दिन भोलेनाथ की पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन भगवान शिव का अभिषेक माता पार्वती के साथ करें, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस दिन माता पार्वती के साथ भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें। बताते चले कि शिववास का योग शाम को 6:07 तक है। और अब जानते हैं जेठ की अमावस्या के दिन हमें कौन से काम करने चाहिए। जेठ की अमावस्या के दिन 5 ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। याद करके इन नियमों का पालन करें और इस अमावस्या पर ये 5 काम बिल्कुल ना करें। जानते हैं इस दिन करने वाले शुभ काम क्या है। जेठ अमावस्या के दिन ये काम जरूर करने चाहिए। जेठ अमावस्या पर गाय कुत्ते और कौओं को खाना खिलाना चाहिए। इसके साथ जेठ अमावस्या के दिन पीपल और बड़ के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। इसके साथ इस दिन पितरों के लिए तर्पण के कार्य करने चाहिए। साथ ही इस दिन पीपल पर सूत बांधना चाहिए, कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और काले तिल का दान करना चाहिए और दीपक भी जलाना चाहिए। तो जेठ अमावस्या के दिन ये काम जरूर करें। अब जानते हैं वो कौन से काम हैं जो हमें जेठ अमावस्या पर बिल्कुल नहीं करने हैं। इस दिन यानी कि अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मान्यता अनुसार ये कार्य करने से उक्त व्यक्ति के घर से धन संपदा चली जाती है और वो रुपए पैसे के लिए मोहताज हो जाता है।
तो जेठ अमावस्या के दिन इन चीज़ों का सेवन तो बिल्कुल ही ना करें, और इसके साथ ही जेठ अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन दूसरे का अन्न खाने से संचित पुण्यों का क्षय होता है, और इसके साथ ही इस दिन हिंसा का विचार, क्रोध, अनुचित कार्य तथा स्त्री संबंध नहीं बनाना चाहिए। कोशिश करें इस दिन किसी भी रूप में ये कार्य ना करें और दूसरे के घर का भोजन ना करें। और इसके साथ ही इस दिन यानी कि अमावस्या के दिन प्रेत आत्माएँ अधिक सक्रिय होने के कारण इस दिन हर व्यक्ति को बुरे कार्यों तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि अमावस्या के दिन बाल भूल कर भी नहीं धोने चाहिए। इस दिन सिर धोना अशुभ माना जाता है तथा इसे जीवन में बाधाओं का आगमन होता है। तो ये वो पांच कार्य हैं जो अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और अब जानते हैं जेठ अमावस्या की सरल पूजा विधि। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। इस दिन गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस दिन पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन देवी गंगी की पूजा का विधान है, और इस दिन पर दान दक्षिणा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पर ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कार्य करना चाहिए, और इसके साथ ही इस दिन तामसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस दिन पर पवित्रता का पालन करना चाहिए। ये दिन धार्मिक विधियों के लिए भी विशेष माना जाता है, और इस दिन पर भगवान शिव की पूजा फलदायी मानी जाती है। तो इस तरह से आप जेठ अमावस्या पर पूजा कर सकते हैं, आप और आपके पूरे परिवार पर। भगवान भोलेनाथ सहित सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसी से गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी स्वास्थ्य समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।